good morning children today's topic is let's speak and the learning outcome of this chapter is that you will be able to, to identify the small and capital letters and recognize vowels and consonants in the given words in and in the sentences i know that you all are doing well in your studies and you all love to recite poems Stories, read stories and sing songs. But do you know that these songs, stories, and all these uh, poems are made up of words and these words are made of letters? I know that you have read about these letters in the previous class, in the class one, but you know that these letters are of different groups. I mean, like uh, if. Uh, I am talking about uh, vowels and consonants, these are the different groups of uh, words. So, here I am going to tell you about these different groups, and you will be able to know more about these letters and alphabets. So, uh, for this, I have an in interesting poem for you to recite. Come on, recite with me A, B, C, D, E, F, G h i j k l m n p l m n p q r s t u v w x y z x y z sugar on my bread if you don't like it go to bed 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 in the morning come to me i will teach you a b c यस इट्स अबाउट द अल्फाबेट्स जो अल्फ़ाबेट्स आपने अपनी क्लास वन में पढ़े हैं और ये अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं नंबर्स में और ये लेटर्स दो तरीके के होते हैं नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स इन द कमिंग स्लाइड्स बट बिफोर दैट आई गिव्यू अ क्विक एक्सरसाइज टू डू आपको इस जितनी भी ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं और इनके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको काउंट करना है और उनके नंबर्स को मुझे बताना है लाइक वी हैव द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ पी ई एन सी आई एल सो हेयर आर सिक्स लेटर्स इन दिस वर्ड एज हैव ऑलरेडी डन फॉर यू नेक्स्ट वन इज़ एल आई ओ एन लाइन लाइन इज़ हैविंग फोर लेटर्स नेक्स्ट वर्ड इज पी आई एन सो दिस इज अ पिन पिन और आपको यहां पर मिलते हैं तीन लेटर्स इस वर्ड में हमारा नेक्स्ट वर्ड है डब्ल्यू ए टी ई आर वॉटर एंड वॉटर इज हैविंग वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लेटर्स नेक्स्ट वर्ड इज फोन फोन यस, yes, वही जिस पर आप बात करते हैं ना पी एच ओ एन ई फोन एंड फोन इज हैविंग वन टू थ्री फोर फाइव लेटर्स नाउ आई हैव सम अदर वर्ड्स आल्सो लाइक केज सी ए जी ई इट्स हैविंग फोर लेटर्स नेक्स्ट वर्ड इज अ लिटिल बिट लॉन्ग एलिफेंट ई एल ई

एट लेटर्स फॉर यूनिवर्स यूनिवर्स माने ब्रह्मांड और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड इज हॉलीडे एच ओ एल आई डी ए वाई हॉलीडे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन लेटर्स आ गए नेक्स्ट वर्ड इज बॉटल बी ओ डबल टी एल ई बॉटल बॉटल इज हैविंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लेटर्स So, here I wanted to tell you that these words are made of different letters and these letters are called alphabets in our English language these alphabets are 26 in numbers but they have the different groups also but before that I am going to tell you about the capital letters and small letters apne class 1 make capital letters paratha capital letters k a ये आपने पढ़ा है बी पढ़ा है सी पढ़ा है बट इन द कैपिटल फॉर्म नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्मॉल लेटर्स तो स्मॉल लेटर्स हमारे ए का स्मॉल लेटर कैसे बनता है और कैसे ये आपको दिखाई पड़ रहा है मैं आपके सामने बहुत ज़ोर जोर से पढ़ के बताऊँगी और आप इसके साथ साथ इसको पहचानेंगे भी सो हेयर वी हैव ए इन द कैपिटल फॉर्म एंड ए इन द स्मॉल लेटर्स फॉर्म नेक्स्ट इज बी B is again in the small letter form. C, C, C is same as in the capital but a little bit small. C हमारा बस थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और वही बनता है इसके बाद आता है हमारा D. बट D make, we make it differently. D डी हमने अपने कैपिटल में ऐसे बनाया और स्मॉल लेटर्स में वी जस्ट मेक दिस वे नेक्स्ट कम्स द ई द कैपिटल is with 3 lines now in the uh, small letter forms so we just make it this way now we have f and the small f also we have g g the capital one and the smaller one h h in the capital one and the smaller one here is i but in the smallest form we have a dot over that so this is a small i है इज जे एंड जे इन द स्मॉल फॉम स्मॉल लेटर्स सो अगेन वी हैव के इन द कैपिटल फॉर्म एंड इन द स्मॉलर फॉर्म नाव वी हैव एल इन द कैपिटल फॉर्म एंड देन इन द स्मॉल लेटर्स फॉर्म नाव वी हैव एम और इसका छोटा एम बनता है ए सी हमने दो बार घुमाया गोल और ये बन गया हमारा एम फिर आती है हमारी बारी एन की कैपिटल हमने बनाया ऐसे और छोटे में हमने एक छोटा सा एक छोटा सा घर बनाया और उसको छोटी सी लाइन दे दी नाव वी हैव ओ वेरी सिमिलर टू द कैपिटल फॉर्म एंड ओ हमारा जो बड़ा जैसे बना था वैसे ही हमने छोटा सा ओ बनाया हमने अपनी स्मॉल लेटर्स फॉर्म में नेक्स्ट हमारा आता है पी जो पी हमारा कैपिटल में बनता है वो आप ऐसे देख रहे हैं और यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास वन Now we have RP in the small letters form. This is like that only. और अब हमारा बनेगा Q. Q हमारा capital जो बनता है O बनाया और उसमें एक नीचे हमने line खींच दी वो हमारा capital Q होता था और अब हमारा small letters Q बनेगा ऐसे Now we have R. R in the capital form और R in the smaller form. Next is S. Very similar to the capital one. एस हमारा जैसा हमारा कैपिटल में बनता है बिल्कुल वैसे ही हमारा स्मॉल फॉर्म में बनता है इसके बाद बारी आती है हमारे कैपिटल टी की और कैपिटल टी के साथ उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म स्मॉल लेटर फॉर्म या नाउ वी हैव यू यू हमारा कैपिटल में ऐसे बना नाव यू हम स्मॉल में बनाते हैं इस तरीके से वी सेम एज इन द कैपिटल फॉर्म जैसे हमने कैपिटल में बनाया बिल्कुल वैसे ही स्मॉल फॉर्म में बनेगा W इज सेम एज एज द कैपिटल फॉर्म और X X भी हमारा बिल्कुल सिमिलियर बनता है हमारे कैपिटल फॉर्म की तरह है. और हमारी अब बारी आती है Y की Y हमने अपने कैपिटल लेटर्स में इस तरीके से बनाया और हमने स्मॉलर फॉर्म में ऐसे बनाया नाव वी हैव Z एंड Z इज वेरी मच सिमिलियर टू द कैपिटल लेटर्स फॉर्म अब आपने ये कैपिटल लेटर्स देखे और इनको पहचाना कि कैसे हम ए बी सी डी ई एफ जी हाउ डू वी राइट दीज लेटर्स इन द स्मॉल लेटर्स फॉर्म नाउ आई विल गिव यू अ क्विक एक्सरसाइज टू डू टू रिकोगनाइज दीज मैचिंग लेटर्स विद द रेस्पेक्टिव कैपिटल लेटर सो हेयर वी हैव ए बी सी डी ई एफ जी इन द कैपिटल फॉर्म और आपको इन कैपिटल लेटर्स के साथ उनके मैचिंग लेटर को यहाँ पर सर्किल करना है यू हैव टू सर्किल द मैचिंग स्मॉल लेटर तो हमारे पास द वेरी फर्स्ट वन लेटर इज ए और ए के लिए आई हैव ऑलरेडी डन फोर यू द फर्स्ट वन आई हैलरेडी डन आई है सर्किल हीयर इन दू आपका मैचिंग लेटर है उसके ऊपर मैंने उसे सर्किल किया है अब नाउ वी हैव बी तो बी का अब हमको रिकॉग्नाइज करना है इसमें से कौन सा लेटर है जो इसका स्मॉल लेटर है बी इज इन कैपिटल फॉर्म एंड नाउ हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल लेटर्स फॉर्म ऑफ बी ओ यस हमने पढ़ा था और ये हमारा स्मॉल लेटर फॉर्म है यस यू आर वेरी मच राइट कि हमारा स्मॉल लेटर फॉर्म बी का ये वाला है अब वी हैव सी एंड

कम टू द ई और ई के लिए वी हैव थ्री लाइन्स इन द कैपिटल फॉर्म एंड जो स्मॉल लेटर फॉर्म है वो हमारी बिल्कुल ऐसे बनती है और इसके बाद बारी आती है हमारी एफ की एफ इज लिटल बिट सिमिलर टू द कैपिटल फॉर्म और जो कैपिटल फॉर्म में हम टू लाइन्स के साथ बनाते हैं या वी ऑल्सो मेक विद टू लाइन्स बट इन अ डिफरेंट फॉर्म लाइक दिस ये हमारा एफ है इन दैटर फॉर्म और हब हमारी बारी आती है जी की जी वी हैव इन द कैपिटल फॉर्म लाइक दिस एंड नाव वी विल फाइंड आउट विच वन इज जी दिस इज नॉट जी आई नो दिस इज एच नाव वी हैव दिस लुकिंग लाइक जी आई थिंक बट हेयर वी हैव बी है वी हैव ओ सो हैर इज़ आर ऑप्शन वी हैव स्मॉल लेटर जी लाइक दिस अब मैं आपको जो पिक्चर दिखाने जा रही हूं उसको देखिए और प्लीज रीड आउट दीज वर्ड्स विद मी हेयर आई एम टेकिंग द वेरी फर्स्ट वर्ड दिस इज एन एप्पल एन एप्पल सेकेंड इज अ ब्रिंजॉल अ कप अ एन एलिफेंट अ फिश अ Girl, a house, an ink pot. Remember, an ink pot, a jasmine, a kite, a lotus, a mango, a gnat, an orange. Was that? An orange, A potato, a queen, a rose, a sunflower. A a tomato, a van, a watch, an Xmas tree, a yak, a zebra. What did you get to see? We had read different kind of words and और हमने क्या करा कुछ वर्ड्स के आगे हमने देखा कि जब हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो वी डू राइट ए और एन बिफोर दैट बट क्या ये आपने देखा कि आप ए और एन डिफरेंटली लगाते हैं ये क्यों लगाया जाता है इसके बारे में आई टेल यू द नेक्स्ट स्लाइड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दू नो प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट वी हैव डिफरेंट ग्रोप्स ऑफ लेटर्स एंड बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट ग्रोप्स ऑफ लेटर वी जस्ट यूज ए और एन बिफोर using these words before uh, using these words in our sentences and like stories or like uh, poems and uh, जो भी आप song या जो भी चीज़ में आप इन words को use कर रहे हैं उसके पीछे a और n लगाते हैं और a और n क्यों लगाते हैं just because of these two groups we have vowels and consonants as I already told you that we have 26 letters कितने हमारे letters होते हैं 26 टोटल हमारे 26 सिक्स अल्फाबेट्स होते हैं और उसमें से जो फाइव लेटर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड वाल्स ए ई आई ओ यू दीज आर कॉल्ड वाल्स ये हमारे होते हैं टोटल फाइव ए ई आई ओ यू रिमेंबर दीज आर कॉल्ड वाल्स और जो रिमेनिंग ट्वेंटी वन है वो हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स वो कहलाते हैं कॉन्सोनेट्स और जब हम अपने वर्ड्स में वी यूज वाल्स तो वाल्स से जो स्टार्टिंग हो रही होती है हमारे सेंटेंस की या सॉरी वर्ड्स की जो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने वर्ड्स को वो वर्ड्स अगर वाल्स से शुरू हो रहा है तो वी यूज एन बिफोर दैट लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक एन विज दैट एन एलिफेंट एन एलिफेंट एलिफेंट इज स्टार्टिंग विद ई और हम इसके आगे यूज़ कर रहे हैं एन इसके बाद बारी आती है एन इंक पॉट एन इंक पॉट इंक पॉट इज स्टार्टिंग विद आई एंड आई इज़ ऑल्सो अ वाल सो हम फिर इसके साथ यूज़ कर रहे हैं एन हैज़ अगेन एन ऑरेंज एन ऑरेंज ऑरेंज इज़ स्टार्टिंग विद ओ एन ओ इज़ अ वाल और वाल के साथ हम यूज़ करेंगे एन और इसीलिए हमने इन सारे वर्ड्स के आगे लगाया है एन सो वी हैव ट्वेंटी सिक्स टोटल अल्फाबेट्स आउट ऑफ दैम फाइव आर वॉल्स एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन आर कॉन्सोनेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू रीड अ कन्वर्सेशन ऑफ रजिया एंड जॉन ये आपको Uh, मैं दो uh, बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं उनका कन्वर्सेशन पढ़ के सुनाऊंगी और आपको बताना होगा दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दे गेट टू सी इन द पिक्चर वो जो पिक्चर में देख रहे हैं उन सेंटेंसेस uh, और उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं नाउ कम एंड रीड विद मी जॉन जॉन सेज गुड मॉर्निंग रजिया जॉन रजिया से कहता है गुड मॉर्निंग रजिया सेज गुड मॉर्निंग जॉन जॉन से सेज वॉट यू सी इन दीज पिक्चर वो क्या बोल रहे हैं जॉन क्या पूछ रहे हैं वॉट यू सी इन दीज पिक्चर्स तुम क्या देखती हो इन पिक्चर्स में रजिया सेज आई सी अ मैन अ फैन अ टॉल मैन अ टॉल मैन टॉल मीनस लंबा आदमी मैंने एक आदमी देखा एक पंखा देखा और एक लंबा आदमी देखा I see a hen, hen, a pen and a fat hen also. So, she sees a hen, a pen, a fat hen. Uh, now, we come to the next uh, sentence. Razia sees a bin, a tin, a small bin. Usne ek bin डब्बा देखा एक टिन देखा और उसके एक छोटा सा डब्बा देखा स्मॉल बिन कूड़ेदान का बिन होता है ना जैसा जैसे डस्टबिन वैसे ही एक डिब्बा एक कंटेनर जैसा डब्बा उसने देखा स्मॉल बिन जो छोटा था शी सीज अ बोट बोट अ कोट एंड अ रेड कोट लुक एट दिस शी सीज अ बोट अ कोट रेड कोट उसने एक बोर्ड देखी एक कोट देखा और कैसा कोट देखा एक रेड कोट देखा नाउ वी हैव अनदर लाइन लाइक दिस रजिया सीज रजिया ने क्या देखा अ हट अ बस अ बिग बस उसने एक बस देखी उसने एक हट देखी और एक बड़ी बस देखी अब हम जानेंगे और इसको हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे अब मैं आपको एक क्विक एक्सरसाइज कराऊंगी यूल हैव टू असीशिएट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स लाइक इफ वी इफ़ वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन आर सेंटेंसेस व्हाट वी विल यूज़ बिफोर दैट लाइक मैंने आपको बताया कि वी यूज़ ए और एन डिफरेंटली विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक वी यूज एन बिफोर द वाल्स and a before the simple consonants so ham abi yahadekne boat b-o-a-t boat is starting with b so there is no use of using n before that so we will use a boat now we come to our boy 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 is starting with b so we have to use a before this boy

इतना कुछ सीखा जो आज आपने सीखा है हम उसके बारे में बात करेंगे लाइक आई टोल्ड यू दैट वी हैव 26 सिक्स अल्फ़ाबेट्स ट्वेंटी सिक्स लेटर्स आपने पढ़े एंड यू हैव लर्नड अबाउट द कैपिटल फॉर्म्स ऑफ दीज व लेटर्स ऑल्सो लाइक मैंने स्मॉल लेटर्स आपको आप पहले नहीं पढ़ कर आए थे यू रेड अबाउट दीज कैपिटल लेटर्स इन द क्लास वन एंड नाउ आई आइटो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि इस कैपिटल लेटर्स की स्मॉल फॉर्म्स किस तरीके से हम बनाते हैं हमारे पास जो 26 लेटर्स हैं वी हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स इन दीज लेटर्स ऑल्सो लाइक वी हैव फाइव वाल्स एंड 21 वन कॉन्सोनेंट्स फाइव वाल्स हमारे कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू कितने नंबर में ए आई ओ यू फाइव वाल्स और फाइव वॉल्स के बाद जो हमारे ट्वेंटी वन लेटर्स बचते हैं दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स हमारे जो ए ई आई ओ के छू ए ई आई ओ यू को छोड़ने के बाद जो हमारे 21 वर्ण या हमारे लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं उनके साथ हमको ए यूज़ करना होता है एंड विद द वाल्स वी यूज़ एन बिफोर दैट द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वाल्स वी यूज़ एन और ऐसा नहीं है मैं आपको एक चीज़ और रिमाइ नोट नो, नोट कराना चाहूँगी कि वाल्स में हम यूज करते हैं बट जहाँ वाल्स की साउंड डारी होती है हम वहाँ भी एन यूज़ करते हैं सो इट इज़ जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये कीप दैट इन योर माइंड इन द सीनियर क्लासेज यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वाल्स साउंड एंड द वाल्स वर्ड्स सो द वर्ड्स स्टार्टिंग विद वाल्स और इसके बाद अब हम जो करने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज है जिसमें यूल हैव टू फिल इन द गैप्स बाय यूजिंग करेक्ट वाल्स आप इन जो एक्सरसाइज है इसमें आपको अपने वाल्स को फिल करना है आप ये वाल्स कौन कौन से थे वी हैड फाइव वाल्स कौन कौन से ए आई ओ यू और अब आपको इन्हीं पांच वाल्स में से किसी एक वाल को लेके अपने इस वर्ड को कंप्लीट करना है सो रिमेंबर दैट हमारे ये पांच वाल्स हैं इन पांच वाल्स में से आप कोई भी एक यूज करेंगे और इन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे सो द वेरी फर्स्ट वन इज कैप टोपी जो हम लगाते हैं और टोपी को हम किस वाल्स के थ्रू हम इस कैप को फिल करेंगे जरा बताइए तो किसकी आवाज आ रही है इसमें कैप कैप यस यहां आवाज आ रही है हमारे ए की यहां हम फिल कर रहे हैं ए हम इस गैप में कैप के साथ हम अपना वाल जो यूज करेंगे वो है कैप और कैप के लिए हम यूज कर रहे हैं ए ए हमारा जो वाल है उसको उस वर्ड uh, को कंप्लीट कर रहा है नाउ वी हैव अनादर वर्ड वी हैव कप एंड कप इज गोइंग टू बी कम्प्लीटेड बाय द यूज़ ऑफ यू विल यूज़ यू हीयर नाउ वी हैव अनदर पिक्चर ऑफ नेट नेट इससे बटरफ्लाई पकड़ते हैं या हम कभी जैसे गाँव में आम वगैरह तोड़ते हैं तो उसके अंदर आके गिर जाता है वो कहीं इधर उधर नहीं जाता है तो दिस इज़ अ नेट जाली और इस नेट को कम्प्लीट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपने किस वाल को वो वाल है नेट एट ई ए, ए की आवाज़ आ रही है और ये हमारी होती है कंप्लीट एन ई टी नेट नेक्स्ट हमारा जो है पिक्चर इज ऑफ अ पेन 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 कैसे यूज करते हैं आप लिखने के लिए ना और हम इस पेन को कंप्लीट करेंगे अपने एक वाल को यूज करके वो कौन सा वाल होगा आइए देखते हैं पी याद आया P E N, pen. Yes, this wall is E. We will complete this word with E. And E is a wall. As I already told you, fill in the gaps by using correct walls. Next picture is of a leg. So we will complete it with a wall. And which wall is this? Hum use E, L, E, G, लेग माने हमारा पैर या टांग अब हमारा नेक्स्ट पिक्चर है इज ऑफ रेट चूहे की पिक्चर है रेट और रेट के लिए हम क्लास वन में भी पढ़े हैं इसकी स्पेलिंग को कौन सा वाला वाल यूज करेंगे हम यूज करेंगे ए कौन सा वाला है हमारा ए एंड रेट इज गेटिंग कंप्लीटेड विद द यूज ऑफ ए सो वी हैव कम्प्लीटेड दीज वर्ड्स विद द यूज ऑफ दीज वाल्स और हमने इस वाल्स की प्रैक्टिस के बाद अब हम आते हैं अपने होम असाइनमेंट में जो आपको अपने घर पर कंप्लीट करता है कम्प्लीट करना है यू कैन टेक हेल्प फ्राम योर एल्डर सिस्टर ब्रदर पेरेंट्स किसी की भी आप हेल्प ले सकते हो और यू हैव टू डू वॉट लाइक यू हैव टू सर्किल द कॉन्सोनेंट्स इन द गिविन वर्ड्स ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं आपको उसमें कॉन्सोनेंट्स को सर्कल करना है दिस इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग द वाल्स और सर्कलिंग और फाइंडिंग आउट द वाल्स सो हेयर यू हैव टू फाइंड आउट कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स आप निकालेंगे इन वर्ड्स में से सो so, अगर कॉन्सोनेंट करना है तो मैं आपको एक कॉन्सोनेंट निकाल के अभी फॉर एग्जाम्पल दिखा देती हूँ बट इन द इन द होमवर्क कॉपी यू हैव टू डू इट योर सेल्फ और विद द हेल्प ऑफ यू कैन टेक हेल्प विद फ्रॉम योर एल्डर सिस्टर ब्रदर और पेरेंट्स आप यहाँ पर सर्किल द कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन वर्ड्स अब हम कैसे सर्किल करेंगे मैं बताती हूँ जी ओ ए वी हैव थ्री लेटर वर्ड यहाँ पर तीन लेटर्स हैं हमारे जी ओ ए तीन लेटर्स को यूज करके हमने वर्ड बनाया है जी ओ ए गोवा गोवा में से हमारा ओ और ए हमारे वाल्स हैं तो बचा कौन सा हमारा जी जी इज कॉन्सोनेंट आपको अपने होमवर्क कॉपी में इसी तरीके से करना है और आपको ये कॉन्सोनेंट्स इसी तरीके से अपने कॉपी में फाइंड आउट करके अलग से सर्कल करने हैं

इन पांच वाल्स को आपको इन लेटर्स इन वर्ड्स में जो डिफरेंट लेटर्स से बने हुए हैं इनमें आपको चूज करना है और आपको ये अलग से लिखने हैं जैसे वी हैव एरोप्लेन ए ई -E आर ओ पी एल ए एन ई -E. इसमें अगर ए ई आई ओ यू कहीं भी आया है तो आपको उन वाल्स को निकाल के अलग रखना है और जब आपकी नेक्स्ट क्लास तक लॉट्स ऑफ लव कीप डूइंग योर होम वर्क रेगुलरली और मामा को परेशान नहीं करना है बिकॉज आई नो दैट यू ऑल आर स्टेइंग एट होम सो डोंट मेक सच नॉइज टिल नेक्स्ट बाय